सर झुका के नमन प्रणाम। राजपूतों का कार्यक्रम हो और पटना तक आवाज नहीं जाए, भैया पटना बाद में बुलाएंगे, पहले हम लोग आवाज पहुंचा देते हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। देखिए पटना, हमको कार्यक्रम के बारे में बोला गया कि एक राजनीतिक मंच है, हम बोले हमको क्या करना है, जो राजनीति करते हो हम तो राजपूती करते हैं ना, है कि नहीं? और हमको लगता है कि हम राजपूती करने आए हैं और आप राजपूती करने लगे। अरे हाँ ना, राजपूती करने, राजपूत कौन? अपने मान और सम्मान के लिए किसी से भी टकरा जाए वो राजपूत, अपने गुमान के आगे किसी को कुछ नहीं समझे वो राजपूत, और राजनीति को अपने जूतों के नोक पर रखे वो राजपूत। अरे चंद्रशेखर का औलाद हम लोग, जे प्रधानमंत्री के पद को अपने लात मार देने वाले शख्स के प्रेरणा स्रोत मानने वाले लोग हैं हम लोग। तो इस बात, लेकिन राजनीति जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तो जब तक आपकी भागीदारी नहीं रहेगी आपको कोई नहीं पूछेगा। तो आपके जो राजनीतिक प्रोधा है उनके हाथ को मजबूत करिए, लेकिन किनका? जो जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, फिर से, जो अपने जात का नहीं और जो अपने बाप का नहीं वही राष्ट्र का नहीं। तो हाथ उसी का मजबूत करना है जो अपने जात का है। किसका? जो अपने, अगर वो किसी भी पार्टी के हैं और उनके पार्टी का इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे आका नाराज हो जाएंगे अगर वो नहीं बोलते हैं, तो ऐसा किसी काम को जरूरत नहीं। राजपूत कल भी स्वयं में सरकार थे और आज भी स्वयं में सरकार है। और बहुत जो कहेगा एकता नहीं है, कैसे एकता नहीं है, इतना सारा लोग है और बहुत एकता है। और हम जहां खड़े हैं स्वयं सरकार से बड़े हैं। आज भी हमारा सबसे ज्यादा एमएलसी, सुनिए, सबसे ज्यादा विधायक हमारे संख्या के हिसाब से कही, हाँ सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद और सबसे ज्यादा भाई भाई से एमएलसी। लेकिन उसके बाद भी अगर समाज का कुछ बात आता है और गिने चुने कुछ लोग बोल पाते हैं ताकि उनके कुछ लोग नाराज नहीं हो जाए, आप लोग समझदार हैं कि आपको किसको चुनना है। भैया बुला रहे हैं महाराणा प्रताप की रैली में, तो महाराणा प्रताप कौन थे? जो घास का रोटी खा गए लेकिन सर नहीं झुका, तो हमारा सर झुकेगा क्या? चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि औरंगाबाद की इस धरती को कहने का मतलब यह है। अरे बोलने पर ठीक नहीं लगता है, खाली बोला जाए कुछ किया नहीं जाए। भैया के लोग को बोलने दिया जाए, हम आके बारह अपना, लेकिन आप लोग से बस नहीं कहेंगे। भैया संजय भैया एक मिनट, आपके तरफ से हम आह्वान कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक सिक्योरिटी मांगेंगे। सिक्योरिटी रहेगा कि उस जो रैली में आप हमको बुला रहे हैं उसके बाद हमारा क्या बदलेगा, ये आप मन से बताइए। हम लोग इकट्ठा होंगे, दो चार पांच हजार रुपया लगाएंगे, 50,000, 1,00,000, उसके बाद क्या होगा उस तो चाहिए ना। तो भैया से हम लोग सिक्योरिटी लेंगे कि हमारा क्या क्या बदलेगा। जैसे एक एक सिक्योरिटी दिया कि महाराणा प्रताप का बीच पटना में मूर्ति लगा ना जी, तो राजपूतों के लिए क्या कुछ होगा ये हम लोग पूछेंगे। और भैया ये हाथ को हम लोग तो चाहते हैं ना कि कोई हमारा आगे बढ़े, उसका हाथ मजबूत करे एकदम। चलिए आज के लिए इतना ही, एक और निवेदन, औरंगाबाद की धरती कहने में थोड़ा मजा नहीं आता, चित्तौड़ कहने में मजा आता है। महाराणा प्रताप आपका है तो इसको बदल दिया जाए। जब योगी जी सब जगह बदल सकते हैं तो औरंगाबाद का नाम भी बदला जा सकता है। आप लोग चाहते हैं क्या कि औरंगाबाद का नाम बदले? कौन कौन चाहता है औरंगाबाद का नाम बदले? और कौन कौन खड़ा होके? और हम तमाम लोग, आप तमाम लोगों की तरफ से भैया और जितने भी भैया लोग हैं सबसे ही मानते हैं कि आप औरंगाबाद का नाम बदल लीजिए।
अपना एक लाइन और बार खत्म, ठीक है। हमारे शरीर पर जख्मों के निशान है तो है, हमारे खून में उबाल है तो है, और मिला है जन्म में कुल राजपुताना, अब इस बात पर गुमान है तो है। जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब किसी को प्रणाम। इन नेताजी लोग।